नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ HP शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरह ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल हाई कोर्ट के दो जजों का तबादला, मोहम्मद रफीक होंगे मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हिमाचल हाई कोर्ट से दो जजों के तबादले की सिफारिश की है। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश का तबादला हिमाचल हाई कोर्ट में किया गया है। हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश अनूप चिटकारा को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश सबीना का तबादला हिमाचल हाई कोर्ट में करने की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने इससे पूर्व इन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हिमाचल हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। धारा 118 मामला विजिलेंस जांच पूरी, चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी। धारा 118 के तहत गैर कृषकों को हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीदने की मंजूरी देने के मामले में चल रही विजिलेंस जाँच पूरी हो गई है। जांच पूरी होने के साथ ही चार्जशीट दाखिल करने को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही चार्जशीट स्थानीय सत्र न्यायालय में पेश की जाएगी। सूत्रों के अनुसार जांच में मिले तथ्यों के आधार पर पूर्व मुख्य सचिव व पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त पार्थ सारथी मित्रा समेत चार लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। वहीं इनमें मित्रा के अलावा दो बिचौलियों विनोद मित्तल, विवेक डोगरा और एक अन्य व्यापारी का नाम शामिल है। इन सभी से ब्यूरो ने पिछले दो साल के दौरान लंबी पूछताछ और जांच की थी। वहीं जांच के दौरान ब्यूरो को कुछ रिकॉर्डिंग मिली थी जिनमें भ्रष्टाचार के इस पूरे खेल की तस्वीर साफ हो गई थी। रिकॉर्डिंग का फॉरेंसिक विश्लेषण कराने के साथ ही उनका सामान्य प्रशासन विभाग के पास मौजूदा भाषणों के सैंपलों से मिलान भी किया गया था। हिमाचल की पंचायतों में 2 अक्टूबर को होगी ग्राम सभा, BPL सूची से बाहर होंगे अपात्र। हिमाचल प्रदेश में BPL सूची की समीक्षा के लिए आगामी 2 अक्टूबर को ग्राम सभा का आयोजन होगा। बैठक में अपात्र पाए जाने वाले परिवारों के नाम BPL की सूची से हटाए जाएंगे, जबकि पात्र परिवारों को उसमें शामिल किया जाएगा। वहीं BPL चयनित परिवारों की सूची की समीक्षा को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत ग्राम सभा की बैठक की तिथि से 7 दिन पूर्व BPL सूची की समीक्षा किए जाने को नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा और ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाएगा। इस नोटिस में BPL सूची में नाम शामिल करने या चयन बारे आपत्ति से संबंधित आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने की तिथि का निर्धारण करना होगा। उत्तर भारत में देवभूमि सबसे शांत प्रदेश में सबसे कम अपराध, राष्ट्रीय स्तर पर 0.3% क्राइम। प्रदेश में क्राइम रेट चाहे पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, लेकिन राष्ट्रीय अनुपात में देश के अधिकतर राज्य हिमाचल से कहीं आगे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 2020 के जारी आंकड़े बताते हैं कि देश भर में दर्ज किए गए क्राइम के कुल 66,01,285 मामलों में से प्रदेश में विभिन्न अपराधों के 20,630 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं अपराधों के मामले में राष्ट्रीय स्तर में प्रदेश में 0.3% मामले सामने आए हैं। वहीं दर्ज किए गए मामलों के आधार पर उत्तर भारत के राज्यों में प्रदेश 2020 में सबसे कम हिंसक अपराधों वाला राज्य रहा है। इसके अलावा बात करें तो नॉर्थ जोन के अन्य राज्यों में राष्ट्रीय अनुपात के आधार पर उत्तराखंड में 0.86, पंजाब में 1.25 और हरियाणा में 2.91% मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय सूची में अपराधों को लेकर दिल्ली का योगदान 4.03 और जम्मू कश्मीर में 0.43% रहा है। उपभोक्ताओं को राहत, सरकारी राशन डिपो में हर माह अब आधा किलो सस्ती चाय पत्ती भी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में अब उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के साथ साथ हर माह सस्ती आधा किलो ब्रांडेड चाय पत्ती भी मिलेगी। बाजार मूल्य की अपेक्षा यह चाय 20 रुपए तक सस्ती होगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है। प्रति राशन कार्ड पर उपभोक्ताओं को 250 ग्राम के 2 पैकेट दिए जा सकते हैं। वहीं बाजार में ब्रांडेड चाय 110 रुपए की 250 ग्राम मिल रही है। वहीं खाद्य आपूर्ति निगम इसे 90 से 95 रुपए के बीच उपभोक्ताओं को देगा। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से कंपनी के साथ सीधा संपर्क रहेगा, इसके चलते उपभोक्ताओं को चाय पत्ती सस्ती मिलेगी। वीरेंद्र कंवर बोले, हिमाचल में मनरेगा पर खर्च होंगे 1,000 करोड़ रुपए।
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बीते वर्ष 2021-22 में मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर 1,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। मनरेगा में 250 लाख कार्य दिवस अर्जित करने का लक्ष्य है। विकास का आकलन कर सर्वश्रेष्ठ विकास खंड को सम्मानित भी किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में नेशनल मोबाइल निगरानी सिस्टम इसी वर्ष आरंभ होगा। मंत्री ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिपा में मंगलवार को राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य विभाग के 2 दिवसीय कार्यक्रमों और आयोजनों की समीक्षा की। हाई कोर्ट ने 2 सिविल जजों की नियुक्तियां अवैध बताकर की रद्द आयोग को चेताया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 2 सिविल जजों की नियुक्तियां अवैध ठहराते हुए रद्द कर दी हैं। न्यायाधीश तलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए सिविल जज विवेक कायत और आकांक्षा डोगरा की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुनाया। दोनों जज वर्ष 2013 बैच के HPJS अधिकारी थे। कोर्ट ने पाया कि नियुक्तियां उन पदों के खिलाफ की गई जिनका विज्ञापन नहीं दिया गया था। बिना विज्ञापन पद भरने पर कोर्ट ने प्रदेश लोक सेवा आयोग को चेताया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न करें। कर्मचारी चयन आयोग स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 755 स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। फ्री राशन, मुख्यमंत्री जयराम बोले 7.18 लाख परिवारों को फ्री मिलेगा राशन बैग। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत 7.18 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक शामिल हैं। इन्हें अक्टूबर 2021 के अंत तक मुफ्त राशन बैग प्रदान किए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विधायकों और उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में कही। इस दौरान CM ने 25 सितंबर को राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे और चौथे चरण के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा भी की। नगर निगम शिमला के कर्मचारियों को 6% DA। नगर निगम शिमला के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 6% DA देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मंगलवार को मेयर सत्या कोंडल की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की वित्त एवं संविदा कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर ही निगम के कर्मचारियों को DA दिए जाना है। वहीं नियमों के तहत इसे देने से पहले निगम की वित्त कमेटी और हाउस से मंजूरी लेनी होती है, जिसके बाद ये कर्मचारी को दिया जाता है। ऐसे में अब FCPC की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा नगर निगम के दैनिक कर्मचारियों से लेकर अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला भी बैठक में लिया गया है। हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ने दिए स्कूल खोलने के संकेत, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आगामी दिनों में हिमाचल प्रदेश में स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे और उनके अभिभावक भी चाह रहे हैं कि स्कूल खोले जाएं। इस संबंध में अब 24 सितंबर को आयोजित की जा रही कैबिनेट की बैठक में ही फैसला होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूल खोलने की संभावना पर काम करें। खुशखबर, सरकारी स्कूलों में भर्ती होंगे 8,000 मल्टीटास्क वर्कर, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाएगा शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मल्टीटास्क वर्करों के 8,000 पद भरे जाएंगे। 4,000 पद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुशंसा और 4,000 पद आवेदनों के आधार पर भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 24 सितंबर को होने वाली हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत शिक्षा विभाग प्रस्ताव लेकर आएगा। बीते कई माह से लटकी मुख्यमंत्री की इस बजट घोषणा के अब जल्द पूरा होने की उम्मीद है। वित्त महकमे से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।